मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक मंच, एक दूसरे पर की गई छींटाकशी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार अपने ही पार्टी के 2 बार के मुख्यमंत्री के बेटे, 4 बार के सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की बात नहीं सुन रही है। अनुराग सिंह ठाकुर को जयराम सरकार में अपनी काम न होने का रोना, सार्वजनिक मंच पर रोना पड़ रहा है तो आम जनता और विपक्षी नेताओं के साथ इस प्रदेश सरकार द्वारा कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। इस प्रकरण से प्रदेश की जयराम सरकार भी बेनकाब हुई है। विधायक सुक्खू ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा तत्कालीन कांग्रेस की UPA सरकार की देन है, लेकिन भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए सौतेले व्यवहार के कारण विकास कार्य अधर में लटक गए, जिनमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा भी उनमें से एक है। भाजपा द्वारा डबल इंजन की सरकार के द्वारा विकास कार्य करवाने के झूठे सब्जबाग जनता को दिखाकर वोट लिए, लेकिन आज नए कार्य स्वीकृत करना तो दूर, पुराने कार्यों को भी अमली जामा तक इस भाजपा सरकार द्वारा नहीं पहनाया जा रहा है। नादौन विधानसभा क्षेत्र में भी उनके द्वारा मंजूर कराए गए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रखने के 3 साल बीत जाने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। इस निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए भी उन्हें कई प्रयास करने पड़े और भाजपा सरकार ने इसमें भी अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इनके ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वयं ही सार्वजनिक मंच पर जयराम सरकार की पोल खोल दी है। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।